राजवीर को हो गया पलकी से प्यार और पलकी की हो गई शौर्य से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर हॉस्पिटल में लगे हुई चोट पर डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करवाने के लिए जाएगा और मन ही मन डॉक्टर के सामने राजवीर पलकी को याद करते हुए मुस्कुराएगा, तभी डॉक्टर राजवीर को कहेंगे कि क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हाथों पर बैंडेज लगाने वाली ने बहुत अच्छी बैंडेज लगाई है, क्या वो बैंडेज लगाने वाली लड़की थी और क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। यह सुनकर राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा। और लेकिन जब रास्ते पर शौर्य काफी तेजी से जीप चलाते हुए जाएगा और बीच में छोटे बच्चों का स्कूल आएगा, तभी पलकी कार चलाकर तेजी से आते हुए राजवीर को देख लेगी और नन्हे बच्चों को बचाने के लिए पुलिस वाले की डिवाइडर लगा देगी और राजवीर को फटकार लगाते हुए कहेगी कि ए रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, गाड़ी देख कर चलानी नहीं आती क्या, बाप ने तुम्हें पैसे दिए हैं तो उस पैसों के साथ तुम कुछ भी करोगे और ऐसे रास्ते पर कहीं भी बिना देखे तुम गाड़ी चलाओगे। तभी यह पलकी की बात सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य कुछ भी बोले बिना पलकी की आंखों में देखता रह जाएगा। लेकिन जब शौर्य गाड़ी से उतरेगा और पलकी के पास नजदीक जाएगा और पलकी को कहेगा कि तुमने बहुत सही बात कही है, आई लाइक इट, हमें इस तरह अपनी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इसलिए आई एम सॉरी, आइंदा से कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। यह सुनकर मैडम को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से शौर्य पलकी के सामने माफी मांगकर गाड़ी लेकर जाएगा। तभी वहाँ पीछे से और कोई नहीं बल्कि राजवीर आ जाएगा और राजवीर गाड़ी को देखकर पलकी को कहेगी देखो यह वही गाड़ी थी और यही लोग थे जिन्होंने पहाड़ियों पर हमारा एक्सीडेंट किया। यह सुनकर पलकी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पलकी शौर्य को उसके केक की सजा दिलाने के लिए राजवीर से पूछते हुए कहेगी कि तुम्हें तो पता है ना कि वो एक्सीडेंट पक्का शौर्य ने ही किया था। यह सुनकर तभी राजवीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और राजवीर पलकी को कहेगा क्या यही सच है ना, यह वही रईस घर का बेटा है ना, तो अब हम उसके केक की सजा देने के लिए शौर्य के घर जाएंगे जहाँ पर हम खुद पुलिस वालों के साथ मिलकर शौर्य को गिरफ्तार करेंगे। और राजवीर शौर्य को बिल कौन और कब देता है ये तो वक्त ही बताएगा। और लेकिन घर में ये जब बात राखी माँ करण के अंदर अपने प्यार को महसूस करेगी और करण को ऐसे बेहोश देख कहेगी कि करण क्या हुआ है, तुम्हारा बेटा शौर्य खतरे में है, उसे कोई लड़की एक्सीडेंट के केस में फंसा कर खतरे में डालना चाहता है। यह सुनकर तभी रिश्तेदार के होश उड़ जाएंगे। और लेकिन जब राजवीर अपने पूरे परिवार के साथ पहली दफा लूथरा हाउस में जाएगा तभी राखी माँ को किसी के अपने पन के आने का एहसास होगा, जहाँ पर जब राजवीर लूथरा हाउस में अपने पूरे परिवार से मिलेगा और राखी माँ दादी करीना बुआ करण ऋषभ और बाकी सबसे मिलेगा, तभी सारे लोग प्रीता को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और लेकिन जब राखी माँ प्रीता के करीब आएगी और राजवीर अचानक से राखी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती, कलर आपको लगाना है तो वहीं पर खड़े रहिए, किसी को कोई भी मेरी माँ प्रीता से मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने तो 20 साल पहले ही प्रीता माँ को छोड़ दिया था और यहाँ पर मैं बस प्रीता माँ का डाउट क्लियर करने ही आया हूँ कि इनकी यादाश्त अब जा चुकी है, प्रीता माँ को आप लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और वहीं खड़े खड़े बैठ जाएगा। और लेकिन आप राजवीर शौर्य को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और पलकी शौर्य को जेल भिजवा कर सही करेगी क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी पसंद है, पलकी शौर्य की या पलकी राजवीर की, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।